ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का मॉर्निंग का शुरुआत एकदम सुबह सुबह ही हो गया है, वही 11-12 बजे। मतलब मेरे लिए तो प्रॉपर सुबह वही है। सुबह 6 बजे उठ के मैं एडिटिंग ही कर रहा था आज, इसलिए जल्दी से फ्रेश वगैरह होकर मैं आ गया हूँ फ्लोरिस में। हाँ जी, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था ब्रेकफास्ट वाले वीडियो में, टॉप 5 ब्रेकफास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो, आई बटन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। मैंने बताया था कि फ्लोरिस बोलकर एक जगह है जहाँ पे बहुत ही फेमस इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलता है, तो वहीं मैं अभी आ गया हूँ। और अंदर का एम्बियंस देख लो, सही है एम्बियंस। और ये देखो, मस्त लग रहा है ना। यहाँ पे एक्चुअली जो ब्रेकफास्ट है ना, ये ऑल डे ब्रेकफास्ट है। मतलब आप दोपहर के 2 बजे भी आओगे, 3 बजे भी आओगे, तब भी आपको मिल जाएगा ये ऑल डे ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं कि बस मॉर्निंग में ही मिलेगा आपको, क्योंकि मेन्यू में भी यही लिखा हुआ है, ऑल डे ब्रेकफास्ट। मैंने यहाँ से इंग्लिश ब्रेकफास्ट एक ऑर्डर किया, दिखाऊंगा और क्या क्या ऑप्शन है इनके पास ब्रेकफास्ट में। जो मैंने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया है वो बस 950 रुपए का है, और इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्या क्या आप कस्टमाइज करवा सकते हो वो भी मैं बताऊंगा आपको। वैसे एम्बियंस के पूरे नंबर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बाय द वे, साथ में पापा दा भी है। गुड मॉर्निंग। लेकिन ये ब्रेकफास्ट हम लोग बहुत पहले कर सकते थे, लेकिन आज मौका मिला है हम लोगों को। एक्चुअली यहाँ पे मौका क्यों मिला मैं बताता हूँ आपको। पापाइदा का एक केक का डिलीवरी है जो कि यहीं से जाएगा केक। मैं जस्ट ऐसे ही पूछा कि आपका ब्रेकफास्ट हमें मिल जाएगा क्या, वो बोले हाँ मिल जाएगा। मैं बोला चलो भाई ट्राई कर लेते हैं उसी को, जब मिल जाएगा तो क्या करना। वैसे भी आपका केक में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा। तो आधा घंटा बैठ के क्या करेंगे हम लोग, बोले चलो ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। वैसे तो क्वांटिटी देख के ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम लोगों ने अभी बस एक प्लेट ही बोला है। अगर लगेगा कि हाँ और जरूरत है तो एक प्लेट और ऑर्डर कर लेंगे। वैसे दिखाता हूँ मैं क्या क्या है इसमें। ऑलराइट, तो ब्रेकफास्ट का देख लो, ये सारे ऑप्शन है। मैक्सिमम आइटम आपको सारा दिन ही मिल जाएगा। और यहाँ का ये फेमस है इंग्लिश ब्रेकफास्ट। लेकिन आपको एक चीज इसमें दिखेगा, ये बेकन और साथ में हैम। बेकन तो हम लोगों ने चेंज करवा दिया है, बेकन मैं बोला कि मुझे नहीं देने के लिए। इसकी जगह ये लोग क्या करेंगे, ये जो चिकन सॉसेजेस है ना, इसका क्वांटिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि ये मैं खाता नहीं हूँ इसीलिए दिक्कत है। और बाकी स्लाइस हैम है, ये पापाइदा खा लेंगे। पापाइदा बहुत पहले ट्राई किए थे। 2 फ्राइड एग रहेगा, 1 ग्रिल्ड टोमेटो रहेगा, 2 हैश ब्राउन रहेगा, सौते मशरूम रहेगा, बेक बीन्स एंड सीजनल फ्रेश फ्रूट विद 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड का भी 3-3 ऑप्शन मिलता है आपको। 800 में वैसे ये ब्रेकफास्ट मिल जाता है आपको, लेकिन 950 रुपया मतलब इसमें ड्रिंक भी एड हो जाएगा। बाकी देख लो, ये अमेरिकन ब्रेकफास्ट भी बहुत लोग खाते हैं, लेकिन इंग्लिश ब्रेकफास्ट बहुत फेमस है, इसलिए हम लोगों ने इसे ही मंगाया है। ऑलराइट, तो अभी वो पूछने आए थे पानी के लिए कि नॉर्मल वाटर या फिर मिनरल वाटर। मैंने मिनरल वाटर बोल दिया, तो ये बोतल देकर चले गए। ये बोतल तो मैं घर में आके फ्रेम में रखने वाला हूँ। 110 रुपए तो यहाँ प्रिंट है, पता नहीं अंदर में कितना लेंगे। सही बात है, ये सब पानी अपने को पेट में सूट नहीं करेगा। हाँ जी, तो देख लो ये मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है। अब इसमें क्या क्या है इसका नाम ही मुझे नहीं पता, इस टाइप का ब्रेकफास्ट मैं कभी करता भी नहीं हूँ। अभी मैं सुबह घर में पता है क्या खा के आया हूँ, रोटी और दही। तो रोटी दही खाने के बाद अब इस टाइप का ब्रेकफास्ट भी देगा तो बताओ आप क्या बोलोगे, खराब हो जाएगा हम लोग का। एक ग्रिल टोमेटो भी है, ऑमलेट भी है, ये तो सॉसेजेस है, नीचे में हैम है, ब्रेड, बेक बीन्स, कट फ्रूट्स, कॉफी और एक जूस। तो ओवरऑल ये ब्रेकफास्ट है। पानी भी अभी ऐड नहीं हुआ है, पानी तो भाई साहब मेरे को लगता है 150 रुपए का होगा कम से कम। वैसे तो ये 2 चीज है, लेकिन इससे काम हो जाएगा। इससे पहले मैंने ऐसा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैंने केवेंटर्स पे किया था, जो कि दार्जिलिंग में। मशरूम बढ़िया लग रहा है मुझे इनका। बाकी ये बीन्स देखता हूँ मैं कैसा है। सही है यार, ये ब्रेड के साथ खाने में तो मजा आ जाएगा। दिक्कत क्या है ना, मुझे ये भी नहीं पता है कि किस चीज को किसके साथ खाना है, मैं तो सबको ऐसे ही खाया जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ, इनका ये जो चिकन सॉसेजेस है ना, ये वाकई में बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने इससे पहले कैवेंटर्स में खाया था दार्जिलिंग के, मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, एकदम फ्रेश है और मजा आ रहा है खाने में इसको, बहुत ही सही है ये। और साथ में ये जो मशरूम है ना, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो हैश ब्राउन है, इससे अच्छा हैश ब्राउन मैंने खाया था JW मैरियट में, कमाल का था। अभी तक मुझे वैसा हैश ब्राउन कहीं नहीं मिला। मुझे इनका ब्रेकफास्ट में अभी तक जितना भी आइटम मैंने ट्राई किया है, सबसे अच्छा मुझे इनका सॉसेजेस ही लगा। ब्रेड मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके आया था। ऑलराइट, अभी पापा ही आपको बताएंगे इनके हैम का टेस्ट कैसा है। ऑमलेट जब एकदम कड़ा हो जाता है वैसा ही टेस्ट है। सॉसेजेस ट्राई करो एक बार इनका, फ्रेश एकदम। सबसे अच्छा बात ये है, हैश ब्राउन भी बहुत अच्छा है इनका। बाकी यही होने वाला है मेरा ब्रेकफास्ट। मेन बात है ना, देखो हम लोग को ये सब जमता नहीं, सुबह सुबह पूरी सब्जी खिला तो चलेगा, लेकिन ये सब नहीं चलेगा ठीक है। लेकिन हाँ एक बात है, वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। मैं एक ही बात बोलूंगा, ये सब चीज जो है मेरे को लगता है लंदन वगैरह में ज्यादा खाया जाता होगा, वही हो गया इंग्लिश ब्रेकफास्ट। टेबल पे आपको जैम और साथ में बटर भी मिल जाएगा, ये चीज अच्छा है भाई। जो ब्रेड देते हैं ना, ये बटर और जैम के साथ आप खा सकते हो। और पापा इतना बता रहे थे, ये जो पोच ऑमलेट होता है ना, ये उनसे खाया नहीं जाता। क्यों पापा इतना पार्ट नहीं खा पाते, साइज वाला खा लेते।
इस टाइप का ब्रेकफास्ट मैं सच बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम में फोटो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी ठीक है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। तो ब्रेकफास्ट तो मैंने और पापा जी ने जैसे तैसे मिलकर खत्म कर दिया है। मैं समझ गया ये किस टाइप का माहौल है। एक प्लेट ले लो, 2 से 3 घंटा आराम से बैठो, धीरे 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 धीरे, ये इस टाइप का ही जगह, और हम लोग के पास उतना टाइम है नहीं, खाओ फटाफट भागो। हाँ जी, तो इनका कैपेचिनो मैंने पी लिया है, अच्छा था कैपेचिनो मैं बोलूंगा, थोड़ा स्ट्रांग था, मजा आया पीकर। और पापा जी क्या बोल रहे थे, पानी तो सेम है, 200 रुपया क्यों? हम बता रहे क्यों, मैंने देखा था ये जो बोतल है ना, करीना कपूर जब जिम से निकलती है ना तो ये हाथ में यही बोतल रहता है। तो बोतल में क्या है? स्टेटस भाई, स्टेटस। यहाँ पे लोग आपको कैसे जज करेंगे, सर नॉर्मल वाटर या फिर मिनरल वाटर? नॉर्मल वाटर। हाँ। बेटा तू तो हल्का है। ओवरऑल ब्रेकफास्ट पूरा कम्प्लीट हो चुका है, अंदर में बैठ के काफी अच्छा वाइब्स आता है, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अच्छे जगह क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। अब हम लोग देखते हैं टोटल बिल कितने का आया। अरे पानी तो मैंने पिया ही नहीं। ऑलराइट, तो ये हमारा बिल आ चुका है, देख लो। तो टोटल देख लो 1,110 रुपये हुआ, और जैसा कि मैंने कहा था मिनरल वाटर 150 रुपये का, और ऑल डे ब्रेकफास्ट 904 रुपये का। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट तो हो गया, और ये पापा दादा का केक भी रेडी है। चलो ऑलराइट, तो हम लोग निकल गए ब्रेकफास्ट करके, और हाँ ये पानी का बोतल लेकर निकले है भाई, इसको छोड़ नहीं सकते, छोड़ जाए ये नहीं छोड़ना चाहिए, 150 का पानी है, 10 रुपये में हम लोग पानी पीते हैं, मतलब हम लोग का 15 बोतल, तो ये तो सारा दिन रहेगा हमारे साथ, अगर खाली भी हो जाएगा ना पानी, 10 रुपये वाला भरवा लिया आदमी सोचेगा साला 150 का पानी पी रहा है। 100 रुपये दाम है इसका, 110। भाई हम लोग को बाइक अपना यहाँ पे पार्क करना पड़ा था, 20 रुपये पार्किंग है, 10 रुपये घंटा है, तो हम लोग का 2 घंटा हो गया। ये सामने में ही है फ्लोरिस, देख लो भाई साहब, आज फिर से आ गए हम लोग MBA चाय वाला चाय पीने के लिए। आप कौन सा लिए? कल का चाय यार मस्त लगा था, इसलिए वापस से आ गए। कॉफी या फिर कैपेचिनो पी के अपना मन नहीं बढ़ता, अपने लिए ये चाय बेस्ट है। तो फाइनली पापा इधर सारा केक ले लिया है अपना, तो इसको डिलीवर करके हम लोग घर निकल जाएंगे। पापा इधर का कुछ ज्यादा ही ऑर्डर था, तो उसी सब में हम लोग बिजी हो गए, इधर उधर देना, और काफी दूर दूर जाना था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ इतना रिकॉर्ड नहीं किया। अभी घर आया हूँ, और भाई साहब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं ना, मतलब मैंने एक चीज तो देखा है, ऐसे सोशल मीडिया में अच्छा बनने के लिए बहुत बड़ा बड़ा बात लिख देंगे, ये सपोर्ट दिखाएंगे वो सपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन रियलिटी हम लोग देखते हैं, एवरी डे देखते हैं। और मैं बोलता भी हूँ पापा इधर को कि आप कैसे हर दिन ये झेलते हो, तो वो बोलते हैं अब आदत हो गया। जैसे कि अभी लास्ट ऑर्डर को ही देख लो, हम लोग को जाना था श्रीरामपुर में कोई एक बैंक्वेट था, वो इजिली अगर पापाई दा को फोन में बैंक्वेट का नाम बताता तो हम लोग किसी से ही पूछ कर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एड्रेस दे रखा है, आप किसी से भी पूछते आ जाओ, जबकि वो उस बैंक्वेट हॉल का नाम बताते तो आराम से हम लोग पहुंच सकते थे। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खराब लोगों का बिहेव मैंने देखा है। मेन बात यह है ना, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ये उसका काम है तो उसको तो करना ही पड़ेगा। भाई थोड़ा अपने साइड से भी अगर आप कोऑपरेट कर दोगे ना तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं मैं अपने साइड से आप लोग को यही बोलूंगा, चाहे जैसा भी कोई काम करता हो, जिस टाइप का भी काम करता हो, अपने साइड से उसको हमेशा सेम रिस्पेक्ट दिया करो। जरूरी नहीं है कि अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, अच्छे से कपड़े पहन के ऑफिस जा रहा है, आप सिर्फ उसी का रिस्पेक्ट करो, उसका भी रिस्पेक्ट करो। और जो ऐसे रोजमर्रा का काम कर रहा है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, आपको घर बैठे सामान मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, उनको तो और भी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करो। ऐसे भेदभाव मत किया करो पोजिशन देख कर कि हाँ वो इस पोजिशन में तो उसको रिस्पेक्ट देना है, वो इस पोजिशन में तो उससे एकदम अजीब तरीके से बात करता है। और ये मैंने सबसे ज्यादा देखा है सिक्योरिटी वालों के साथ ज्यादा होता है, अगर वो कुछ मना करते हैं और वो किसी रूल के बारे में बताते हैं तो लोग उससे झगड़ने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। मेरा तो यही कहना है कि उनको जो रूल बताया जाता है वो आपको वही बताते हैं। अगर आपको झगड़ना ही है तो आप उनके मैनेजमेंट से लड़ो, वो होटल के ऑनर से लड़ो, मैनेजर से लड़ो, उनसे लड़ सकते हो आप, लेकिन सिक्योरिटी को जैसा बोला गया होगा वो वही चीज आपको बोलता है। उनसे लड़ झगड़ के कोई फायदा नहीं है। जैसे कि मैं अभी की बात बता रहा हूँ, मैं जब फ्लोरिस से सूट करके निकल रहा था तब वहाँ के एक वेटर ने मुझे बोला, मैं अंदर का सूट कर रहा था, सर आप ये सूट नहीं कर सकते, प्लीज ये अलाउ नहीं है, इसके लिए आपको परमिशन लेना होगा। मैं वो बड़ा बड़ा झूमर सब लगा था ना उसको दिखा रहा था, मैं बोला ओके कोई बात नहीं, अगर मैं उसे झगड़ने लग जाऊं तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसको जैसा बताया गया होगा, जैसा समझाया गया होगा वही बोल रहा है वो, तो उससे क्वेश्चन करके उससे झगड़ के कोई फायदा नहीं है। होप कि आप लोगों को मेरा ये बात समझ में आया हो। खैर कोई नहीं, अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग ये वीडियो यहां तक देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।